आज के मुख्य कलाकार डॉक्टर अश्विन महेश दलवी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। उनके साथ तबले पर संगत करेंगे पंडित हरीश झा जी, अपने शहर के गौरव। दलवी जी को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर अश्विन महेश दलवी शीघ्र ही मंच पर आएंगे और अपना सुर बहार वादन हम सभी श्रोताओं के मध्य प्रस्तुत करेंगे। सुर बहार वाद्य एक ऐसा वाद्य है जो आपने माँ अन्नपूर्णा के हाथ में देखा होगा। आज हमारे कानपुर शहर का ये सौभाग्य है कि हमें ऐसा दुर्लभ वाद्य सुनने को मिल रहा है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय श्री अश्विन दलवी जी का। एक बार पुनः आप सभी लोगों को नमस्कार। इस कार्यक्रम में भारतीय संगीत का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने वाले ध्रुपद के सम्राट पंडित उदय भवालकर उपस्थित हैं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। आज की कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे देवेंद्र जी, मुख्य अतिथि शोभित जी, और इस कार्यक्रम को पूरा आयोजन करने वाले विनोद जी की समस्त टीम और कानपुर के समस्त सुधीजन, ध्रुपद जैसी कला का आज जो चित्रण देखने को मिला कानपुर जैसे शहर में, सच में बहुत प्रसन्नता हुई देखकर कि छोटे छोटे बच्चों में ध्रुपद के संस्कार डाले जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसे आप छोटा मत समझिएगा। ऐसी कला जिसका इम्प्रेशन बना हुआ है कि वो लुप्त प्राय है, मगर मुझे यहाँ पर देखकर नहीं लगता कि वो लुप्त प्राय है। आज बता रहे थे विनोद जी कि सुरबहार ऐसा वाद्य है जिसका कानपुर में कभी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, तो ये भी मेरे लिए प्रसन्नता की विषय है कि मैं पहली बार सुरबहार आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुरबहार के लिए इसको मैं रिक्वायरमेंट नहीं कहूँगा, मगर फिर भी चूंकि रुद्रवीणा के परिवार से है, ध्रुपद इसकी शैली है, ख्याल भी इसमें है, मगर शास्त्रीयता बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय संगीत का एक लगा तो इसका गांभीर्य बहुत महत्वपूर्ण है और इसको सही में आनंद लेने के लिए एकदम शांत चित्त से, बहुत सब्र से इसको सुनना पड़ता है। हम लोग के पास में आज थोड़ी सी समय की कमी है और मुझे ज़्यादा जिज्ञासा है कि मैं उदय जी का सुनूं, इसलिए अपने समय की सीमा में रहकर मैं थोड़ा सा सुरबहार में आलाप जोड़ालाप करूँगा राग जोग में, और फिर छोटी छोटी दो तीन बंदिशें बजाएंगे। एक और विशेष बात है मेरे लिए कि हरीश जी आज साथ में है तबले पर। मेरा जब पहला कार्यक्रम कानपुर में हुआ था तो आप ही ने मेरे साथ में सितार मैंने बजाया था, उस समय तो संगत करी थी। आप प्रकांड विद्वान हैं। और मेरे दाहिनी तरफ ऋषि जी, जिनका अभी आपने सुना कि कैसे युवा ऊर्जा होती है, उसका एक उदाहरण आप सब लोगों को देखने को मिला। और कितनी अद्भुत होगी वो जुगलबंदी कि एक तरफ है अनुभव, एक तरफ है ऊर्जा, एक तरफ है पखावज, एक तरफ है तबला। तबला और पखावज रखने का एक और कारण है कि सुरबहार पूर्णतः रुद्रवीणा नहीं है और पूर्णतः सितार नहीं है, तो दोनों का उसके अंदर कुछ अंग दिखाई दे, इसलिए मैं दोनों साज रखता हूँ। एक बार पुनः आपकी संस्था का विनोद जी मैं अभिनंदन साधुवाद करता हूँ, और बहुत मेहनत लगती है इस तरीके के प्रकल्प को आयोजन करने में। आयुष ने बहुत मेहनत करी है दिन रात तक, वो सबको दिखता ही है। और
बच्चों से भी मेरा निवेदन, आंख बंद करके सुनना है और मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी है, ठीक है? मैं राग जोक शुरू करता हूँ, आलाप जोड़ आलाप। मेरे साथ में आज मेरे छोटे भाई जैसे परम, वो भी बैठे हुए हैं और बांसुरी पर मेरा साथ देंगे। कभी कभी तानपुर की जो तंत्रियाँ होती हैं उसमें एक सस्टेन लाने के लिए मुझे बांसुरी की आवाज़ बहुत पसंद आती है, इसलिए मैं परम जी को अपने साथ में रखता हूँ। ये भी जयपुर के निवासी हैं। Thank you.
Thank you.
प्रॉब्लम है क्या?
Thank you.
मुझे सच में बहुत प्रसन्नता इसलिए हुई कि ये साज इतना सुकून से और धीरे धीरे बजता है और आप सब लोग एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस सुन रहे थे, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है कि कानपुर की ऑडियंस ऐसी है कि जो शास्त्रीय संगीत को जैसा सुनना चाहिए वैसा सुना, और उससे भी ज़्यादा तारीफ इन बच्चों की, वरना अधिकतर ऐसे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में बच्चे अपना पेशेंस खो देते हैं, मगर शांति से उन्होंने सुना, इसके लिए वो सब बच्चे साधुवाद के पात्र हैं। अब हम एक, चूंकि समय बहुत हो गया है, हम एक चौताल की बंदिश बजाएंगे, एक सुलताल की बंदिश बजाएंगे और एक तीन ताल की द्रुत में एक बंदिश बजाएंगे। तो और इसका सबसे बड़ा जो क्लाइमेक्स है और जिसकी मुझे भी प्रतीक्षा है वो हरीश जी और ऋषि जी की जुगलबंदी में है। तो शुरू करते हैं चौताल से। कितने बजे की? जल्दी करो। Thank you.
Thank you.
तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। मैं अनुरोध करूंगी आप सभी से कि एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर आगंतुक कलाकारों का अभिवादन करें। डॉक्टर अश्विन महेश दलवी जी का स्वागत कीजिएगा। तबले पर पंडित हरीश झा और ऋषि जी पखावज पर, बांसुरी पर मैं आदरणीय गुरु जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी और साथ में डॉक्टर शोभित नाहर जी को कृपया आप मंच पर आ जाएं और हाँ संगतकारों का सम्मान करें। और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री नरेंद्र शर्मा जी को। महेश दलवी जी ने जो बजाया उनके लिए कुछ पंक्तियाँ, बैठ जाएंगे आप सभी लोग जी। अध्यक्ष जी को भी मंच पर मैं बुलाऊंगा सम्मान के लिए कि अगर तलाश करूं तो कोई ही मिल जाएगा, मगर महेश दलवी जैसा सुरबहार कौन बजाएगा। जोरदार तालियों से। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बड़ा सताएगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा।